लूटा। रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कानपुर देहात में अकबरपुर के शाहजादपुर स्थित मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू वोटों को बांटना चाहते हो तो किसके वोट इकट्ठा कराना चाहते हो? वोट बांटने की राजनीति करने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि घोर परिवारवादी 2022 के चुनाव में हारेंगे। पीएम ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले मनाई जाएगी। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आते ही धूमधाम से रंगों वाली होली मनाई जाएगी। भाजपा के प्रचंड जीत की खुशी मनेगी। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी के एक नेता जो गोवा में चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, उनसे पूछा गया कि गोवा में आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो वो कहते हैं कि हमने तो इस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांट सकें। पीएम ने कहा कि सारी समस्याओं का समाधान विकास से ही होता है। विपक्ष मतदाताओं को गुमराह कर रहा है और फिर बाद में हार का ठीकरा जनता के सिर मलता है। मैंने कल गोवा के एक अखबार का इंटरव्यू देखा। देखिए, चुनाव गोवा में चल रहा है और टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और उनको पूछा गया कि हाँ, आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो जवाब देश के इलेक्शन कमीशन के लिए भी गौर करने जैसा है। क्या जवाब दिया? बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि घोर परिवारवादियों ने यूपी को दिन रात लूटा है, यहाँ के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों और माफियाओं के हवाले कर दिया। इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और यूपी के शहरों में हर एक मोहल्ला माफिया गंज के नाम से जाना जाता। साथियों, पहले की सरकारों ने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन लोगों ने यूपी को लूटा, दिन रात लूटा और यहां के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के हवाले कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।